हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीता बिश्नोई। आज ये ब्यूटीफुल प्लांट की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि ये ब्यूटीफुल है, ऑर्नामेंटल लीव्स है इसकी, और ये इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। इसका नाम है हवाइन टी प्लांट या फिर कॉडेलाइन फ्रूटिकोसा, और ये कई वैरायटीज़ में आता है। बहुत वैरायटीज़ होती हैं इसकी, उनमें से एक वैरायटी ये ब्यूटीफुल ये वाली है। और ये शेड लविंग प्लांट है, आप लगाएं, परमानेंट है, पेरिनियल है, पूरे साल आपके साथ रहेगा। कुछ केयर है जो मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी, और अगर वो केयर आप ध्यान रखते हैं उन पॉइंट्स का, तो आपके पास ये कई सालों तक रहेगा। मैं एक और इसकी वैरायटी दिखाऊंगी जो मेरे पास करीब 20 साल से है। ये एक और वैरायटी है कॉडेलाइन फ्रूटिकोसा की। इसमें देखिए ये लीव्स एकदम पिंक कलर की हो जाती हैं, शेड में रखें नहीं तो ये भी ब्राउन हो जाएंगी। ये भी बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है, इंडोर रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये प्लांट के बारे में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कितना टॉल होता है। ये प्लांट करीब अगर ग्राउंड पे लगा हुआ हो और फॉरेस्ट में लगा हो जहाँ पर इसको शेड, प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर एकदम प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, तो वहाँ पर ये 10-12 फीट का भी हो जाता है। और ये स्टॉक इसकी काफ़ी लंबी ऐसे जाती हैं, और कभी कभी ये ऐसे ब्रांच भी हो जाती हैं जैसे यहाँ है। और आप अगर प्रूनिंग करेंगे तो ब्रांचेस और भी बढ़ सकती हैं। देखिए जैसे ये ब्रांच निकली है, तो उससे ये काफ़ी टॉप हेवी होता रहता है। अब चलिए इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं, अगर आप लाते हैं नर्सरी से इसको, जो आपको करीब 300 रुपीज़ में वेल ग्रोन प्लांट आराम से मिल जाएगा। अगर थोड़ा छोटा प्लांट है तो हो सकता है थोड़ा चीपर भी मिल जाए। और लाने के बाद आप इसको कुछ एक्लेमेटाइज करने देंगे अपने घर में, उसके बाद आप इसको प्रॉपर वेल ड्रेनिंग सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। प्रॉपर वेल ड्रेनिंग सॉइल का मतलब है मेरा ऐसी सॉइल जिसमें पानी टिके ना, पानी डाले और एकदम से ड्रेन हो जाए, उसके लिए आप ले सकते हैं एक पार्ट सैंड, एक पार्ट कोकोपीट, एक पार्ट कंपोस्ट और एक पार्ट गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल नॉर्मल सॉइल होती है, और साथ में नीम खली, फोनमी और फंगीसाइड। ये नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर लाइक करता है, और इसके कलर्स के लिए आप थोड़ा पोटेशियम व फॉस्फोरस भी इसके फर्टिलाइज़र में ऐड कर सकते हैं। अब जब इसके लिए आप गमला चूज़ करें तो कोशिश करें कि थोड़ा बड़ा गमला हो। ये मैं अभी इस साल रेनी सीजन में इसको शिफ्ट करूँगी एक और बड़े गमले में जो अर्दन पॉट होगा, क्योंकि ये एक पेरिनियल प्लांट है और कई सालों तक रहेगा। रूट्स इसकी बहुत वेल डेवलप्ड होती हैं, टैप रूट सिस्टम होता है, तो इसके लिए बड़ा पॉट ही ज़्यादा बेहतर रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जब लगा लेते हैं उसके बाद इसको लोकेशन क्या देंगे। इसके लिए शेडी लोकेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गर्मी में, क्योंकि इसकी जो टेंडर लीव्स हैं ये वेरीगेटेड, ये ख़राब हो जाती हैं अगर आप इनको बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में रखते हैं। और अगर टोटल शेड में रखते हैं जहाँ पर एकदम सनलाइट नहीं आती है, तो इसकी ये वेरिगेशन ख़त्म हो जाएगी और ये ऐसे ग्रीन लीव्स हो जाएंगी। तो ब्राइट लाइट बहुत ज़रूरी है, मगर डायरेक्ट सनलाइट एकदम ना मिले। पेड़ों के बीच में, दरख्त के नीचे, या ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी मॉर्निंग सनलाइट इसको मिले, और फिर उसके बाद में शेड में रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसको वॉटरिंग कैसे करेंगे। इसमें पेस्ट की भी प्रॉब्लम कम होती है, मगर एक प्रॉब्लम होती है कि पानी ज़्यादा हो जाता है तो रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है। तो उसके लिए आप चेक करके पानी डालें, जब तक टॉप लेयर ड्राई ना हो जब तक इसमें पानी डालने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है। वेल ड्रेनिंग सॉइल है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ड्रेनेज में। और अगर आपको लग रहा है कि ड्रेन नहीं हो रहा पानी, तो आप स्टैंड में रख सकते हैं या इसकी ड्रेनेज होल को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसको फर्टिलाइज कैसे करेंगे। इसको अगर साल में 2 बार भी फर्टिलाइज करते हैं एनएफए फरवरी में और अक्टूबर में, और तब आप इसको जो आप लिक्विड खाद बनाते हैं सब प्लांट्स के लिए वो डाल सकते हैं, जिसमें काउडंग मैन्योर होता है, साथ में सरसों खली होती है फर्मेंटेड डाइल्यूटेड,
और लिक्विड फॉर्म में। अब इसकी प्रोपोगेशन देखते हैं। इसकी प्रोपोगेशन आप बहुत सारे प्लांट्स देखेंगे, साइड साइड में छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकल आए, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अभी इसमें नहीं है क्योंकि ये एक नया प्लांट है। जब मेच्योर होगा तो दिखाती हूँ एक और वैरायटी में आपको कि उसमें कैसे बहुत सारे प्लांट्स निकल आए। ऐसे बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलेंगे जैसे इसमें निकले हुए हैं। ये वाले प्लांट में एक और वैरायटी है कॉडेलाइन की, तो इनको आप इजीली गमले में से निकाल के दो या तीन पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इनको काट के यहाँ से, जैसे ये वुडी स्टेम है, इसको यहाँ से काट के प्रून करके इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।